The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So welcome everyone. Today's topic is hair and its transplant. So why would anybody get a hair transplant? क्यों करेंगे कोई किसी का भी कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट और उससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा. एंड पहली बात तो व्हाट इज हेयर ट्रांस व्हाट आर हेयर ट्रांसप्लांट. इट्स नॉट अ सिंगल थिंग इट्स आर राइट. सो व्हाट आर हेयर ट्रांसप्लांट. सी बेसिकली देर आर एक पंच ट्रांसप्लांटिंग नाम की चीज़ होती है. इन पंच ट्रांसप्लांट मतलब उसमें एक प्लग होता है प्लग which contains the hair follicle. तो hair follicle ही पूरा. If you know, we have already discussed hair structure in another video. So hair का पूरा follicle is basically punched out of your skin. Skin में अंदर छेद करके आपके hair को जड़ समेत निकाल लिया जाता है. So जड़ समेत निकाल देने पे आपके पार्ट का छोटा सा स्काल्प का पार्ट भी निकल जाता है आपके स्किन का पार्ट भी निकल जाता है जहाँ पे हेयर डेंस हेयर है वहां से निकाला जाए अच्छे हेयर है वहां से और जहां पे हेयर नहीं है वहां पे खोद के प्रॉपर जैसे हम पेड़ लगाते हैं वैसे बाल लगा दिए जाते हैं. दैट इज एक्चुअली द हेयर ट्रांसप्लांट. सो इन पंच ट्रांसप्लांटिंग अ प्लग कंटेनिंग द हेयर फॉलिकल इज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्काल्प वेयर द हेयर इज मोर डेंस एंड ट्रांसप्लांटेड टू द ट्रीटमेंट एरिया. Right, treatment A. And hair transplantation has high success rate along as long as there is enough donor hair. So jitne zyada donor areas mein hair matlab daadi ke baal sar pe lagane chhati ke baal yahan ke baal dekha hoga aapne everything hai sari picturon mein sab bata diya jata hai aur bahut hi zyada khunkhar tarike se bahut hi zyada mazedar tarike se bataya jata hai but then you know. So बाल डोनर एरिया से लेके रेसिपिएंट एरिया पे लगाए जाते हैं ज्यादा डोनर एरिया और अच्छे बाल. प्रोसीजर के अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म या कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना. थोड़े बहुत माइनर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं विल टॉक अबाउट इट लेटर व्हाट आर द रिस्क व्हाट आर द थिंग बट देन फर्स्ट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कंसिडरिंग going for hair transplant then what should be done first. So before the procedure कोई भी डॉक्टर को पहले patient की medical history लेके डॉक्टर को discuss करना है आपके expectations आपके potential risk आपके outcome और कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है कि आप भाई साहब smoking बंद करें पहले. कायदा बोलता है you need to stop smoking at least 2 weeks before the surgery. 2 हफ्ता 2 weeks before the surgery, no smoking, बंद. और उनको आपको आपको वैसे तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता क्लिनिक बेसिस पे ही इसका हो जाता है ऑपरेशन यानी बेसिक ट्रांसप्लांट. सो इसमें क्या करना है यू नीड टू प्रिपेयर टू टेक इट ईजी फॉर अ डे और टू. दो दिन के एक या दो दिन के लिए आराम से रखना है बालों को छेड़छाड़ी ज़्यादा नहीं करनी है ताकि जड़ थोड़ी पक्की हो जाए ऑपरेशन यानी ट्रांसप्लांट के बाद राइट. उसके साथ उसमें आपको मदद लगती है असिस्टेंस लगती है वट एवर इट इज वो आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेगा. बी अवेयर कि इसमें लोकल एनेस्थेशिया यूज होता है और कुछ एरियाज में सिडेशन यानी कि आपको माइल्ड सा नींद की दवा भी दी जा सकती है ये करने के लिए. जी बिल्कुल. सो कब किसको करने हैं हेयर ट्रांसप्लांट. देखिए अगर आपको हेयर लॉस है अच्छा खासा है मेल पैटर्न एलोपेशिया एरिएटा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस पैची हेयर लॉस सिग्निफिकेंट हेयर लॉस तब करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट. कॉम्प्लिकेशन क्या रिस्क है क्या कॉम्प्लिकेशन है व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क. जब ऐसा कोई ट्रांसप्लांट करते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है स्कारिंग हो सकती है वाइड स्कारिंग हो सकती है. कई बार ऐसा भी होता है कि फॉलिकल लगा दिया लेकिन फॉलिकल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ग्राफ्ट रिजेक्शन फॉलिकल ग्राफ्ट और अननेचुरल लुक भी आ सकता है. अननेचुरल लुक स्पेशली इफ द ग्राफ्ट हेयर
lies next to a patch that you know continues to thin out. कभी कभी बेसिकली उसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है, एडिशनल प्रोसीजर्स मे बी नीडेड फॉर दैट. सो हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, किसको कराना चाहिए? नंबर वन, आपके खुद के हेयर हेल्दी हेयर होने चाहिए एट द साइड्स एंड बैक ऑफ द स्काल्प, जहां पर जहां से डोनर मे बी पीछे से हेयर ले रहे हैं तो वहां पे हेल्दी हेयर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सब जगह पे इन्फेक्शन है, कुछ स्काल्प में फंगल इन्फेक्शन और हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. सो देर हैज टू बी हेल्दी हेयर, यू नो द साइड एंड बैक ऑफ द हेयर, एंड हेयर कलर कंडीशन टेक्सचर ये भी अच्छे होने चाहिए, उसका भी कंसिडरेशन होता है. तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? देखिए कवरेज डिपेंड करता है कितना बड़े एरिया पे कवरेज किया हुआ है ऑब्वियसली, और उसके ऊपर डिपेंड करता है केयर कितनी अच्छी रखनी है. ऑफ्टन हेयर विल फॉल आउट ऑफ ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल, कई बार ऐसा भी होता है, बट अ न्यू हेयर विल इवेंचुअली ग्रो टू टेक इट्स प्लेस, ऐसा भी होता है. सो व्हाट इज मीन कि आपका जो हेयर लगा दिया गया, कई बार आपको लगेगा वो तो निकल गया, लेकिन उसकी जगह नया हेयर भी आ जाता हुआ देखा जाता है अगर ऑलरेडी उसके नीचे कोई ग्रो हो रहा होता है हेयर. सो इट्स बेसिकली अ खेती जिसमें कुछ फसल उगती है कुछ नहीं उगती है, कई बार दोबारा फसल डालनी पड़ती है, एंड वी हैव टू ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, एंड यू विल माइट प्रोबेबली नीड सेवरल सर्जरीज टू गेट द हेयर कवरेज यू वॉन्ट. सिंपल. सो और इसके बीच में सर्जरीज के बीच में जो हीलिंग है उसको कई महीने लग सकते हैं, दिन नहीं हफ्ते नहीं महीने लग सकते हैं. रिमेंबर दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर. सो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, एंड इफ यू आर डायबिटिक और कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है डेफिनेटली टॉक टू योर डॉक्टर कि आपके केस में रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट के, तो आपको करना है नहीं करना है, करना क्या है क्या नहीं है, ये हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करके देन डिसाइड दैट ओके आई वॉन्ट टू टेक दैट यू नो दैट इज नीडेड और नॉट. इट्स नॉट अ मेजर रिस्क, माइनर रिस्क होते हैं इन्फेक्शन के और एन ऑल, कोई ऐसा नहीं कि आपकी जान पे बनाएगी, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो, मतलब चांसेस आर निग्लिजिबल, ऑल्दो इम्पॉसिबल इज नथिंग, बट देन ओके. सो डिस्कस विथ योर डॉक्टर इफ यू रियली नीड अ हेयर ट्रांसप्लांट, गो फॉर इट, मेक श्योर टू गो फॉर इट नॉट एट अ नो टू अ रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, आई मीन एरे गरे के पास जाके मत करवाना. सो दिस इज अ बेसिक अबाउट व्हाट यू शुड नो अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट.